सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से फिलहाल बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन कुछ सितारे खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस सब का असर बॉलीवुड की फिल्मों पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में लोगों ने सड़क 2 के खिलाफ नाराजगी जताई थी, तो वहीं अब कुली नंबर 1 पर भी नेपोटिज्म का असर दिख रहा है। फिल्म कुली नंबर 1 डेविड धवन के निर्देशन में बनी है, जिसमें उनके बेटे वरुण धवन और सारा अली खान मुख्य रोल में हैं। फिल्म को बस रिलीज का इंतजार है। कोरोना के कारण फिलहाल सिनेमा हॉल बंद है, ऐसे में फिल्में सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रही हैं। लेकिन कुली नंबर 1 को लेकर जब ये खबर आई कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, तो सोशल मीडिया पर इसके बहिष्कार की मांग उठने लगी। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक यूजर्स रिलीज होने पर इस फिल्म को ना देखने की बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यूजर्स कह रहे हैं कि यह फिल्म नेपोटिज्म से भरी पड़ी है, क्योंकि फिल्म में एक्टर से लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक सभी फिल्मी परिवार से ही जुड़े हैं। इसका नतीजा हुआ कि हैशटैग कुली नंबर 1 ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने तो यहां तक आरोप लगाया कि वरुण धवन ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के केस में न्याय की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट इसलिए किया क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि कुली नंबर 1 साल 1994 में आई थी, जिसमें गोविंदा थे और उसको भी डेविड धवन ने ही बनाया था, और ये वाली कुली नंबर 1 में सारा अली खान और वरुण धवन है और ये गोविंदा की फिल्म का रिमेक है। हालांकि अब इस फिल्म को लेकर कुछ फैसला नहीं आया है कि फिल्म कब और कहां रिलीज होगी। आपको बता दें, हाल ही में रिलीज हुई आलिया भट्ट, संजय दत्त, पूजा भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा था और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला फिल्म का ट्रेलर बन गया था। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।